नमस्कार, शाखा 9 न्यूज में आपका स्वागत है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली बीजेपी से निलंबित नेता नूह को शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाल ही में सुनवाई के दौरान एससी ने नूह को शर्मा को जमकर फटकार लगाई थी। अब सोशल मीडिया पर अजमेर का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नूपुर को कत्ल करने की खुलेआम धमकी दी जा रही है। ये धमकी विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के खादिम ने दे दी है। देखते हैं वायरल वीडियो। मेरे बुजुर्ग जलाल की, जिसने पैदा किया मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता, मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नूपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever like give me that, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रोस्ते भी निकल जाऊंगा। ये बात, ये हमारे रसूल की बात आ गई। ये क्या है, ये क्या चीज है, कपड़ा, ये लिबास, ये शान, ये शौकत, ये है शोराब, ये सब उनकी भीख है। ये जात तुम्हारे हाथ चुम रहा, सब उनकी भीख है। जब उनकी इज्जत नहीं रही तो हमारी कहाँ से इज्जत रह गई, हमारी कौन सी इज्जत बरकरार है। अरे निकल आओ घर से, बड़े समझो ये भड़काओ भाई, बताइयो मेरे सामने, मैं आज भी मुर्दा नहीं हूँ, मैं मेरे खाजा का सच्चा सिपाही हूँ। चीरने का दम रखता हूँ आज भी, जगह छोड़ने का दम भी रखता हूँ, कि अगर मोहब्बत से वफा तुमने तो जा, चीज क्या है ये दोनों अलग तेरे, जो मेरे रसूल की शान में बोलेगा, ये घर नीला उसके नाम पे दूंगा, उसको दे दूंगा, ये घर दे दूंगा, इसके अलावा एक जमीन है वो भी दे दूंगा, सब कुछ कुर्बान मेरे रसूल की शान में। और मेरे आपने देखा, दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती वायरल वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि जो शख्स नूपुर शर्मा को जान से मारेगा उसे वह बतौर इनाम में पैसे और मकान देगा। वायरल वीडियो में चिश्ती ने नूपुर शर्मा की गर्दन काट कर लाने वाले को अपना तोहफे के तौर पर अपना मकान देने का वादा किया है। इस खबर में बस इतना ही। आगे और जानकारी के लिए शाखा 9 न्यूज के वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।